हेलो, नमस्ते कौन? बउआ, मैं नमस्ते एक जी। मिनट आपसे चाहिए, हाँ जी। अरे ज्यादा की दरकार नहीं है। भाई, टाइम नहीं है यार, तो फोन रख बाद में बात। सॉरी, एक मिनट। फॉग बहुत ज्यादा है, धुंध बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, गंध बहुत ज्यादा है तू ज्यादा है। भाई गलत बोल रहे हैं आप भैया। फोन रख दे। एक सेकेंड, फॉग में एक फायदा होता है भाई साहब, अच्छा क्या? आप गाड़ी धीरे चलाते हो, 20 की स्पीड में, 10 की स्पीड में, हाँ फिर आपको ये लगने लगता है जब इतनी धीमी गाड़ी चल रही है, इससे अच्छा तो मैं पैदल पहुंच जाऊं, है कि नहीं? हाँ ये ख्याल, सॉरी सॉरी, हाँ बोलो बोलो। ये ख्याल जहन में आता है कि नहीं कि पैदल ही चल लेता मैं? फॉग से यही फायदा होता है कि आप फिर पैदल चलने लगते हो, क्योंकि गाड़ी धीमे चल रही है। फिर जब आप पैदल चलोगे तो आपकी सेहत बनेगी, दिमाग तेज होगा, और काम करेंगे भाई साहब आप, और आपको और पैसा आएगा, फिर आप और गाड़ी लोगे, फिर आप नई गाड़ी लेंगे तो फिर गाड़ी से चलेंगे, फिर फॉग में फंसेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर गाड़ी लेंगे, 10 गाड़ी हो जाएगी ऐसे आपके पास। तो उन गाड़ियों का करूंगा क्या मैं, जब मैं पैदल ही चलूंगा तो? आप हाँ कैब सर्विस लगवा देना भाई साहब, आपके कैब ड्राइवर्स गाड़ी चलाएंगे, तो फिर वो भी पैदल चलेगा। अरे फिर हाँ वो फॉग में फंसेंगे, वो भी पैदल, फिर उनकी और गाड़ियां गाड़ियों सुनिए, हेलो का अचार डालूंगा मैं। भाई साहब, देखिए गाड़ियों में तेल डलता है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियों का अचार भी बनाया जाए, ठीक है? और इसमें फॉग का सीजन है, इस वक्त अचार डालेंगे खराब हो जाएगा, इसलिए गाड़ी का अचार न बनाए प्लीज सारे दिमाग क्यों खराब करा तेरी? गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत। जहाँ फोन फोन रखिए आप, गाड़ी का अचार बना दे, बहुत सारा व्हाट द फॉग चल रहा है, गाड़ी धीरे चल रही है। 93.5 FM बजाते रहो, वो वालों के लिए। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी आज बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा जी हाँ जी, नमस्ते जी। हूँ सर। नमस्कार, कौन कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बताइए तो बात कर रहा था मैं, बताइए। ये कह रहा था कि आप ही हैं ना फेसबुक पर, आप वो हाँ जी, व्हाट्सएप हाँ ग्रुप में भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हाँ जी, बताइए है ना? तो आप काम बताइए। नहीं, भाई कह रहे थे फेसबुक पर आपने परसों डाला था पोस्ट, बहुत ही उसको लाइक वगैरह मिल रहे हैं, एक छोटा सा आपने डायलॉग भी लिखा था उसमें, क्या लिखा था आपने उसपे? मैंने बस ये लिखा था कि देश बदलना। देश बदलना है आपको, बदलना है? आप बताइए, आपको क्या नहीं, काम है? देश बदलना है ना आपने लिखा था? हाँ लिखा था मैंने। हाँ जी, आप क्या कहते हैं, पीजी किया, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है आपका? मैंने सब कुछ किया है, आप बताइए हाँ, आपको मैं क्या कह रहा था, मतलब आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास? है। सब कुछ है मेरे पास सर। सब कुछ है। तो आप जल्दबाजी में बिलीव करते हैं या फिर धीरे धीरे? अरे जल्दबाजी में क्या बात है यार आप? नहीं, आपको जल्दी पसंद है या धीरे धीरे पसंद है, वो पूछ रहा हूँ, सिंपल भाई साहब, अरे नॉर्मल में क्या बात पसंद है? है ना? अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए ऑनलाइन। क्या अप्लाई करना चाहिए? पासपोर्ट नहीं बनाए तो साथ ही साथ वीज़ा का काम भी हम लोग करवाएंगे, वीज़ा ऑन अराइवल पसंद है या फिर वो भी देश के हिसाब से देखना पड़ेगा? भाई क्या वाली बातें कर रहे हैं? नहीं, आपका पासपोर्ट और वीज़ा करवा के हम देश बदल, आपको देश बदलना है ना, आपने लिखा वो देश बदलने की बात नहीं करी मैंने यार, देश के अंदर था बदलाव लाने की यही बात तो करी। कह रहा हूँ, आपने जो बात करी है ना, सिर्फ बात ही करी है, और मुझे ऐसे लोगों से सख्त सख्त नफरत है जो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे देश बदलने की बात, सड़क पे, जमीन पे उतर के, लोगों की मदद करके और करके नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो पासपोर्ट बनाओ, देश बदलो, लगता है कट गया देश बदलने की बात। बातें ऐसे ही अगर 1947 में व्हाट्सएप होता ना दोस्त, तो सड़क पे कोई नहीं उतरता, लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ही मैसेज फॉरवर्ड करते और कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद ब खुद चले जाएं देश छोड़ के। देश बदलना है, लगता है कट गया नहीं देश बदलने सब तो ऐसे आएगा, कुछ ऐसे तो नहीं होगा यो। तो नहीं होगा, मान रहे हैं, बिल्कुल यार, लेकिन ये गंदगी जो छीछी बोल रहे हैं उसके बिना मानिए, ठीक है? ठीक है यार, अब नहीं बोलेंगे सॉरी, बट लेकिन वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा वो है, बाकी देश बिल्कुल लिखा, बदलने। नहीं, मैं मान रहा हूँ जज्बात आपके सही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, जमीन पे, लोगों के बीच, कैसे यू डिसाइड, लगता है कट गया। जय हिंद सर। जय जय ओके 93.5 रेड FM बजाते रहो, वंस अगेन जय हिंद। हेलो, हो गया संपर्क, हो गया भाई साहब, नमस्कार।
नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब, क्या है? देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा गई। मैजेंटा लाइन। पता है मैजेंटा लाइन जो है, मैजेंटा। हाँ, मैजेंटा लाइन। हाँ, मैजेंटा वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मैजेंटा। आपका एजेंडा क्या है? ये कौन, क्या? एक सेकेंड, सॉरी। तो जब से हमको पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मैजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो पीली रेखा है जो कि स्त्रीलिंग है, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। हाँ, मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवर लेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई, ये पूछ रहे हैं। जैसे ही मेट्रो बात करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास, तो दीवार ने बोला इधर आ। हाँ। वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की दो चीज टूटी, एक कान और दूसरा तो ये बताएंगे, दूसरी दीवार की। बहुत गलत बोल रहे आप। हाँ, तो गलत है। इनका नाम बैरागी जी मालूम है? धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई? हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। बोल रहे हैं। इस बार की चिट्ठी बैरागी, इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर कोलेस्ट्रोल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अरे एफसी रॉकिंग डियर, गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो जी। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते अंकल, एक सेकंड, मेरी बुआ जी। बुआ जी, पैरी बोना। पैरी बोना बेटी, पापा। ये क्या हो गया? तूने कहाँ फोन मिला लिया? अंकल एक सेकंड, क्या कह रही है? बेटी पापा को रुलाओ, नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। पापा को तू है कौन बे, मुझसे बात कर, तूने मुझे फोन मिलाया, मुझे होल्ड पे। भाई साहब बोलो। मैं बउआ बोल रही हूँ। क्या वो? पापा जी आप रो क्यों नहीं रहे? अभी रोने की क्या बात है, दिवाली गुरुवार की, ये लोग आज क्यों आ गए? आज बे कौन है बे तू, मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे। अरे सॉरी यार, सॉरी, शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब, आपसे मदद के लिए फोन किया। बढ़िया, बताओ क्या मदद चाहिए? दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन पापा देखो रो नहीं रहे। मेरी बुआ कुछ कह रही थी। बुआ जी, बेटा बुआ, बेटा। हाँ बुआ, पापा को रुलाओ, नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को रुलाओ, वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़िया नहीं जलाई बाहर तूने? लड़ी देख रहा तू? बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे? पापा को देख रहा है, लड़िया जलाने की बात कर रहा है। अरे भाई ये क्या चल रहा है, ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या, मतलब क्या हो रहा है ये? क्या हो रही है? मेरे पापा रो नहीं रहे। अरे यार तुमने बाप से बात कर? बाप से? पापा अंकी। हाँ बात करो बेटा। हेलो। हेलो जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार, आपको ये सच है या आपको सुनना पड़ेगा? आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं। अरे बेटे इस चीज का जवाब दे मेरे को, फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रोऊंगा इसके बाद। भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, सुनना एक मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है। लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है? शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें। टेलीफोन लाल और ट्रिन ट्रिन तो क्या? गलत, गलत है। ये भी गलत है? हाँ। क्या है आंसर? है टमाटर। टमाटर? हाँ टमाटर। टमाटर ट्रिन ट्रिन कहाँ करता है? बड़े टमाटर लाल होता है ना। हाँ जी। तो ट्रिन ट्रिन तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे बाबा रो नहीं रहे भाई साहब। मेरा बाप मारा तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बात करा। सॉरी एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक? संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख, दादाजी चले गए। चले गए? संदूक छोड़ गए। हाँ जी। जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना? तेरे बाप की सॉरी, गंदा हो गया। तुझे और तेरे को तीनों घुस के मारूंगा।